हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज की वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं के बेस पर हो, चाहे वो 12वीं के बेस पर हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस पर हो, तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट में गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बात कर लेते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं और मोस्टली लोग दिल्ली में तैयारी के लिए भी आते हैं, जीटीबी नगर वगैरह, कमला नगर वगैरह। और तो आप सभी को बता दें कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं हुआ है, वो सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप तैयारी तो आप कर ही रहे हैं और कंपटीशन का एग्ज़ाम भी आप देते ही हैं रेगुलरली, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फ़ायदे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप, जैसे कि आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो, आपने कोई पॉलिटेक्निक का कोर्स किया हो, या फिर आपने कोई आईटीआई का कोर्स किया हो, आपकी एजुकेशन कुछ भी हो सकती है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया हो, या फिर फर्स्ट एड का कोर्स किया हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आपको अपने हिसाब से उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी आपने अदर कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स, वो आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। और उसको मेंशन करने से ये बेनिफिट है कि उसी पोर्टल के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जिसका प्रचार, जिसका एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट नहीं करती है, लेकिन उनको डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है उस स्टाफ की, उस कैंडिडेट की, उस रैंक पर या फिर उस पोजीशन पर, उस पोस्ट पर जो पोस्ट उन्होंने मांगी होती है। तो जो भी पोस्ट होगी, अगर वो आपकी पोस्ट से मैच खा जाती है, यानी कि आपने अगर मान लो कोई कोर्स किया हुआ कंप्यूटर का, मान लो कोई कोर्स किया है और कंप्यूटर कोर्स की कोई वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में निकली है, एक या दो वैकेंसी, तो एक या दो वैकेंसी के लिए वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, सीधा ही आपको ऑफ़र करते हैं उसके जॉब के लिए, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, हमारी वीडियो उस पर बनी हुई है ऑलरेडी इस टॉपिक पर। तो आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप इजीली अपने आप घर बैठे या फिर नज़दीकी किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं सितंबर में, बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस की काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है और रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आरपीएफ की भी वैकेंसी आ रही है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी और आप सभी लोगों का इसी तरह का सपोर्ट रहे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी हमारी डाली हुई वीडियो की, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है, जो स्टूडेंट कंटिन्यू कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अभी वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।